मेरा नाम शेखर है और मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। मार्च लास्ट 2020 में मार्च में क्या हुआ था कि मेरे पीछे बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो गया था। और जब मैं पॉटी कर रहा था बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, ऐसा लगता था जैसे पीछे कांटे निकल रहे हैं। तो मैंने और डॉक्टर को दिखाया था, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि वहाँ पीछे फिशर है। और फिर मैं डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने अलग अलग टेस्ट बताए, जैसे कि कोलोनोस्कोपी बताया, एंडोस्कोपी बताया। टेस्ट होने के बाद टेस्ट एकदम नॉर्मल आए और उन्होंने दवा भी दे दी और स्टूल एकदम पानी जैसी हुई, लेकिन वो भी नहीं पास हो पा रही। उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो फिर जब ये लास्ट ईयर खत्म होने वाला था नवंबर में, मुझे गूगल करके डॉक्टर अमित के बारे में पता लगा यहाँ पे इंद्रपुरम में। देन मैंने रिव्यू वगैरह देखे और मैं डॉक्टर के पास आया, तो डॉक्टर ने मुझे दवा दी। उन दवा से असर तो हुआ और वो 4 हफ्ते 5 हफ्ते दवा चली। कि उसमें क्या होता है, जो मेरा फिशर था वो हल्का सा कम हो रहा था, लेकिन वो दोबारा हो रहा था, कम हो रहा था, दोबारा हो रहा था। देन डॉक्टर ने मुझे एक सजेशन दिया, एक शार्प सुतरा नाम का प्रोसीजर होता है उसके बारे में। पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन डॉक्टर काफ़ी पोलाइट थे, तो उन्होंने बताया कैसे उसमें पेन वगैरह नहीं होता। तो फाइनली मैंने डिसीजन लिया, वो प्रोसीजर के लिए हाँ कर दी। उससे पहले भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसमें दर्द होगा या नहीं होगा। लेकिन जब प्रोसीजर हुआ मुझे पता भी नहीं लगा और जो मेरी आँख खुली एकदम सही था। और सेम डे मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया और डॉक्टर ने ये सजेशन दिया कि दूसरे दिन से मैं रोटी पानी अपना शुरू कर सकता हूँ नॉर्मल। आखिर जैसे सर्जरी होती है तो उसमें लिक्विड क्लीन पड़ती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ नॉर्मल हो गया और रोटी पानी शुरू कर दिया। और एक दो दिन बाद एकदम नॉर्मल हो गया, कोई पीछे पेन नहीं था, आराम से मैं चल पा रहा हूँ, खेल पा रहा हूँ, एकदम नॉर्मल हो गया था। एक दो चीजें रहती हैं शेखर, इसमें लोगों के मिथ्स रहते हैं कि जो क्षारसूत्र प्रोसीजर है वो बहुत पेनफुल होता है। आपका अनुभव क्या है? क्या इस तरह का कोई पेन इसमें होता है प्रोसीजर में? नहीं, पहले मुझे भी सेम लगता था कि तो पेन बहुत होता है, लेकिन जब ये हो गया पेन तो जीरो था, पेन का पता ही नहीं लगा, बिल्कुल पेन नहीं था। आपका जो प्रोसीजर था वो प्रॉपर एनेस्थीसिया में किया गया था, एनेस्थेटिस्ट थे साथ में, तो उस दौरान कोई आपको दर्द या कुछ इस तरह की तकलीफ महसूस हुई हो? नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं लगा था। कितने घंटे के बाद में आपकी छुट्टी हो गई थी शेखर? मेरी 5-6 घंटे के बाद, सुबह मैं 11 बजे आया था और शाम को 6-7 बजे मुझे डिस्चार्ज कर दिया था। डिस्चार्ज के टाइम पर आपको ऐसा लग गया था कि आप ठीक हो गए हैं, या बाद में आपको तकलीफ रही, या नेक्स्ट डे से कैसा महसूस रहा उसमें? डिस्चार्ज के बाद मुझे बिल्कुल पेन फील नहीं हुआ। जब मेरा ऑपरेशन हुआ था उससे पहले तक मैं नॉर्मल बैठ रहा था ना, उसमें मुझे पेन फील हो रहा था, ऐसा लगता है कि पीछे वाला हिस्सा है वो एकदम सुकड़े जा रहा है। लेकिन प्रोसीजर के बाद काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा था, पीछे पट्टी लगी थी, थोड़ा लगता है कि ऐसा कुछ है। देन जब डॉक्टर ने पट्टी निकाल दी उस वक्त मुझे दर्द फील नहीं हुआ था और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स लग रहा था। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो इस तरह की सर्जरीज होती हैं, जैसे बहुत सारी नर्व एंडिंग्स वहां पर होती हैं, सेंसिटिव पार्ट होता है, तो बड़ी एग्रेसिव ड्रेसिंग की जरूरत पड़ती है, पेनफुल ड्रेसिंग की जरूरत पड़ती है। आपके साथ में कुछ इस तरह की, आपका क्या अनुभव रहा? कुछ बहुत ज्यादा ड्रेसिंग या इन सब चीजों की नहीं नहीं जरूरत नहीं रही नहीं क्या? ड्रेसिंग वगैरह तो कुछ नहीं रही, नॉर्मली पट्टी लगी हुई थी वो आपने हटाई दी थी, फिर उसके बाद दर्जा के नॉर्मल जैसे आपने दवा बताई दवा लगाते रहे, उसमें भी कोई पेन नहीं हुआ बिल्कुल भी। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के मन में रहता है कि जो इस तरह का ऑपरेशन होता है उसमें ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है, खून निकलता है, या ये कमजोरी आती है बाद में, कुछ ऐसा आपको महसूस रहा? नहीं, ब्लड बिल्कुल ब्लड ही निकला। और कितने दिन के बाद में आपको ऐसा लगा कि आप नॉर्मल हो गए हैं प्रोसीजर के बाद, मुझे 2-3 दिन के बाद एकदम नॉर्मल हो गए। नॉर्मल रूटीन आपने ज्वाइन हाँ, किया? कोई विशेष मैसेज आप जो लोग देख रहे हैं उनको देना चाहोगे प्रोसीजर के बारे में, क्षारसूत्र के बारे में, प्रकाश मेडिकल सेंटर फॉर पाइल्स फिस्टुला एंड फिशर के बारे में? एक तो सबसे पहली चीज होती है कि जब भी हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं ना, एक सबसे बड़ा फियर होता है कि दर्द होगा बहुत ज्यादा। मैंने और जगह पे जब डॉक्टर चेकअप भी करा था मेरे काफी दर्द हुआ था, लेकिन जब मैंने डॉक्टर नहीं चेक करवाया था ना, उतना बिल्कुल पेन नहीं था और प्रोसीजर के बाद तो दर्द बिल्कुल नहीं था। सो डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट करो, जैसे डॉक्टर बोलते हैं डॉक्टर सही गाइडेंस देंगे, वो यहाँ पे है इसलिए। सो जैसे जैसे बताते हैं, जैसे डाइट बोलते हैं, जैसे दवा देते हैं, उनको रेगुलर वैसे फॉलो करो और बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। सो यू आर टोटली सेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट एट प्रकाश मेडिकल सेंटर या आई एम फॉर टोटली फिशर? सेटिस्फाइड। ओके, थैंक यू। थैंक यू।